Yes, students, according to this sample paper, various kinds of questions will be given to you. First of all, first question, who among the following was the founder of Young Europe Underground Secret Society in Bern? Okay, options are Joseph Garibaldi, Joseph Mazzini, Count Cavour, and Ottoman Bismarck. Answer is Mazzini. So ye humne kiya hua hai. हां जी कहां पे आना बच्चे आपको? Yes, Vineet, next question. Which of the following was the result of the Act of Union 1707? You don't want to note down anything. Which of the following was the result of the Act of Union 1707? 1707 का जो है वो result क्या था? Unification of Germany, Unification of Great Britain, Unification of Italy और Unification of Vietnam. विनीत को कहा था ना मैंने? ग्रेट ब्रिटेन. कहाँ है ध्यान बच्चे आपको? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं. नेक्स्ट इज, हाँ जी सजद, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जॉल बैरन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. ठीक है, इट वाज अ कोलिजन ऑफ प्रशिया स्टेट फॉर्म टू मैनेज पॉलिटिकल अलायंस. Its aim was to bind the Prussia politically into an association. It was a custom union at the initiative of Prussia. It helped to awaken and raise national sentiment in Europe. Very good. Option C है. जॉल बैरन क्या था? Custom union. कौन से ईयर में बनाया गया था इसको? 1834. ठीक है. Next is, which of the following, हाँ जी दिलप्रीत, which of the following countries were involved in the three wars with Prussia and ended with the victory and unification of Germany? मैंने आपको करवाया था three wars over a 7 years, countries का name भी करवाया था और मैंने याद करने के लिए आपको करवाया था A, D, F. अब सारी countries देखो कौन कौन से group हैं, आपको best group जो है वो recognize करना है. Austria, Poland and France, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. ठीक है, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड फ्रांस, एंड ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस. ये तो मैंने अभी बोला था तो आप, लेकिन कई बार क्या होता है सारी कंट्रीज की ग्रुपिंग जो है वो एक जैसी होगी, आपको बहुत ध्यान से ग्रुपिंग को रेकोगनाइज करना. ठीक है, नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th century यूरोप. रोमेंटिसिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म और रैशनलिज्म. लिबरलिज्म, लिबर वर्ड का मतलब ही क्या है? फ्रीडम. लैटिन रूट वर्ड था ये ना, तो लिबरलिज्म आएगा. आपको बुक का क्वेश्चन है कि लिबरलिज्म जो था इसकी आगे जो है वो थ्री ब्रांचेस थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक. लेकिन इसमें से आइडेंटिफाई क्या करना है आपको? लिबरलिज्म. दिलप्रीत आपका ध्यान कर. नेक्स्ट इज, चूज द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द क्रॉस, सॉरी ये ज्योग्राफी का है. ठीक है, आगे देखो, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नेपाल, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश. श्रीलंका. ठीक है, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग. फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये सारे आंसर एक जैसे ही लगते हैं. आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. रिड्यूसेस सोशल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जितनी पावर शेयरिंग ज्यादा होगी उतना ही सोशल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होंगे. प्रोवाइड एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट, अलाउज पीपल टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट्स, रिस्ट्रिक्ट सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी. अच्छा देखने को सुनो,
देखने को आपको आपको होगा कि शायद इनमें से दो ऑप्शन एक जैसे हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो आपकी बुक में लिखा है ना, ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट होगी एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट होगी वही इसमें से राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनता है, रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके मैं तभी आपको बता रही हूँ ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। सिमरप्रीत आवाज नहीं आ रही थी बच्चे, स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब होता है एग्जैक्ट एनसीईआरटी से स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट किया है और उसमें से आपको रिकॉग्नाइज करना है फोर में से राइट ऑप्शन क्या। तो ये जो बुक के अकॉर्डिंग होगा ना उसी को ही आपको मार्क करना पड़ेगा। अब फिर से देखो, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इट मीन्स आपकी बुक में ये दिया होगा सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करता है। नंबर वन, रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। नंबर टू, प्रोवाइड एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट। नंबर थ्री, अलाउज पीपल टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट्स। और साथ में पेज नंबर भी मेंशन किया होगा, ये लाइन कहां से ली गई है, पेज नंबर 6। थॉरो रीडिंग, यही मैं आपको समझा रही हूँ, थॉरो रीडिंग। इसमें आप क्या सोचते हो वो नहीं होगा, इसमें बुक में से क्या उसको सेम जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, यू हैव टू टिक अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट वो होगी जो आपकी बुक में से ली गई। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम हैज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सुनो पहले, सुनो तो सही, बेल्जियम हैज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। आइडेंटिफाई द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। नंबर वन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नंबर टू, सोशलिस्ट गवर्नमेंट। नंबर थ्री, लिबरल गवर्नमेंट। नंबर फोर, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या कहा है, बेल्जियम हैज अ थर्ड काइंड ऑफ, यानी कि बेल्जियम में थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। पेज नंबर 5, मतलब पेज नंबर 5 पे ये लाइन होगी, उस लाइन में से ये क्वेश्चन बना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर। ये मैंने कल भी करवाया था कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर की कंट्रीज आपको पता है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सी कमिंग टुगेदर में आती है, इंडिया, श्रीलंका, यूएसए और बेल्जियम। ये आपने बार बार सुना है तो आपको आंसर आ गया। कई बार क्या होता है, बुक में कहीं किसी भी पार्ट से क्वेश्चन अगर आता है तो कई बार आप ग्रुपिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, बहुत ध्यान से सुनना। नंबर वन, इट गिव्स जुडिशरी मोर पावर्स देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस एट सेम लेवल। इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज एट पॉलिटिकल लेवल। इट इन्फ्लुएंसेस एंड कोऑर्डिनेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बी ऑप्शन। कई बार चारों ऑप्शन में से इजिली आपको आंसर मिल जाता है, कई बार दो आंसर एक जैसे लगते हैं, कई बार तीन आंसर एक जैसे लगते हैं, तो ध्यान से स्टेटमेंट्स को बार बार पहले पढ़ो। नेक्स्ट इज, इन इंडिया देयर इज अ फेडरल सिस्टम, द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द। नंबर वन, यूनियन लिस्ट। नंबर टू, स्टेट लिस्ट। नंबर थ्री, कंकरेंट लिस्ट। नंबर फोर, रेजिड्यूरी। क्वेश्चन है, इन इंडिया देर इज अ फेडरल गवर्नमेंट, सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट। सेंटर एंड स्टेट आ गया तो बोथ, कौन सी, कंकरेंट। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज, Which of the following state of India enjoy special power in the Constitution of India? इसमें आंसर है पेज नंबर, नोट करो पेज नंबर, एक लाइन होगी उस लाइन पे दिया होगा, पेज नंबर 17। स्टेट्स आर नागालैंड,
क्योंकि बॉर्डर है, ठीक है, नागालैंड, राजस्थान, पंजाब एंड तमिलनाडु। नागालैंड जो है वो लैंग्वेज के बेस के ऊपर नहीं बनी। नागालैंड एक ऐसी स्टेट थी जो लैंग्वेज के बेस के ऊपर नहीं बनी थी। ये नोट करो, ये पेज नंबर 17, ये करना अच्छी तरह से, पेज नंबर 17, नागालैंड। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इंजॉय स्पेशल पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर कंट्री? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु लैंग्वेज के बेस के ऊपर बने हैं, लेकिन जो नागालैंड है ना, ये लैंग्वेज के बेस के ऊपर नहीं बनी, ये अलग से कल्चर, ट्राइबल कल्चर के अकॉर्डिंग बनी। तो ये कुछ अलग से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकॉग्निशन मिली। इसमें लैंग्वेज नहीं, इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, ठीक है। तो बाकी तीनों स्टेट्स लैंग्वेज के बेस के ऊपर बनी है, ये अलग से स्टेट बनी है, और इसका जो है एक्सप्लेनेशन है ऑन पेज नंबर 17। अच्छी तरह से इसको रीड करो। नेक्स्ट इज, ये बाकी आपके ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, ये इमेज बच्चे दी गई है, ये देखो जर्मेनिया की है, कैमरा में ना प्रॉपर। कौन सी एलिगरी है ये? जर्मेनिया, ठीक है। अब जर्मेनिया है तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के दिया गया है, ध्यान से देखो। फॉलोइंग इमेज इज द पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 इन द यूरोप। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस एलिगरी। और ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है मैरियन, जर्मेनिया, लॉ इटालिया एंड फिलिप्स, लॉ फिलिप्स जर्मन। इजी है, बुक में आपको दिया गया है एलिगरी, फ्लैग पकड़ो। और जर्मेनिया का सिर्फ एक ही नहीं, कितनी दी हुई है एलिगरीज। एक फॉलन जर्मेनिया है, एक रिवर के पास फोर्स लेकर दिखाई गई है। सिमरप्रीत, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रशियन किंग हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ जर्मन एम्परर। जर्मन यूनिफिकेशन जब हुई थी, नंबर वन विलियम वन, विलियम टू, हेनरी सेवन, लुइस फोर्थ, काइजर विलियम वन। इसमें काइजर वर्ड नहीं है, विलियम वन, विलियम वन आपको पूरा नाम है, काइजर विलियम वन बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ विलियम वर्ड लिया है। विलियम वन इज द राइट आंसर। पेज नंबर नोट करो 19। साथ में उन्होंने करेक्ट जो है ऑप्शन दिया उसका पेज नंबर दिया है कि दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस पेज, विलियम वन। हम बोलते हैं ना काइजर विलियम वन वाज द किंग ऑफ जर्मनी व्हेन जर्मनी वाज यूनिफाइड। पूरा नाम नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने एंड वाला नाम ले लिया, लेकिन आपको याद है काइजर विलियम वन, तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि विलियम वन है कि विलियम टू है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? नंबर वन, इनमें से ना जो आंसर है वो ऐसे आ सकता है, वन एंड टू, टू एंड थर्ड, ओनली टू, ओनली वन। तो स्टेटमेंट सुनो, देखो कौन सा है, लिख लो पहले आंसर ही, लिख लो पहले कौन कौन से हैं स्टेटमेंट्स। ए ऑप्शन इज वन एंड टू, बी ऑप्शन इज टू एंड थ्री, सी ऑप्शन इज ओनली टू एंड डी ऑप्शन इज ओनली वन। तो मैं आपको स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ ना, बालकन, ये बालकन का सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर बालकन नेशनलिज्म? नंबर वन, द बालकन रीजन्स बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। द रीजन कंप्राइज ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक, सर्ब्स, मोंटीग्रो। कितनी कंट्रीज का नेम है, उन्होंने थ्री कंट्रीज ले ली, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बालकन में ये थ्री कंट्रीज थी कि नहीं, तो ये आप सेकेंड को टिक करोगे। थर्ड है, ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिटी स्ट्रगल फॉर दिस इंडिपेंडेंस, ऑटोमेटिकली क्लियर है। तो ऑप्शन विल बी वन एंड, ऑप्शन इज फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट फॉर बालकन। नेक्स्ट इज, व्हाई वर द बीवर्स ऑफ सिलेशिया रिवोल्टेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845? आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर वन,
contractors were not paying the dues to the weavers. Number two, contractors appointed few weavers. Number three, contractors used government policies. Number four, contractors gave them loan on high interest. First is contractors, they were not paying them dues. Unki salaries nahi mil rahi. This was the main reason of revolt of Silesia. ठीक है, ये है पेज नंबर 16. तो सिलेशिया का जो पेज नंबर है उसमें से क्वेश्चन, आप सोचो कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह से आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रीजन दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन. इसमें से कौन सा रीजन है जिसने ब्रिटेन की फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. नंबर वन, इन 1688 द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन फॉट वॉर विद इंग्लिश पार्लियामेंट. नंबर टू, द पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम मोनार्की. नंबर थ्री, ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर विद आयरलैंड. कोई वॉर हुई थी. देन फोर, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज द रिजल्ट ऑफ मैनी रिवोल्ट्स. बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन क्या है, पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम मोनार्की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. या बाकी आपको ज्योग्राफी के दिए हुए हैं. अच्छा, सिविक्स का है ये, देखो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द डिफरेंट ग्रुप्स. अलग अलग ग्रुप्स दिए गए हैं. पावर शेयरिंग के बारे में लाइंस हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना है. पहले ऑप्शन लिखो. ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ. अब क्वेश्चन फिर से सुनो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग दीज. नंबर वन, इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग क्यों? एक मिनट पहले सुन लो, अपने आप मना ना करो पहले. इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. नंबर टू, इट क्रिएट्स हार्मनी इन डिफरेंट ग्रुप्स. लोग लड़ेंगे नहीं अगर पावर शेयरिंग ज्यादा होगी, है ना. थर्ड, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट. यस. एंड फोर्थ इज इट ब्रिंग्स कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज. तो ऑप्शन क्या है? ए. यस, ऑप्शन ए इज राइट. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. प्रप्रीत हांजी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ जुडिशरी एक्ट एज एन अंपायर इन द फेडरल. हाउ जुडिशरी एक्ट एज एन अंपायर इन द फेडरल नेशन. एम्पायर का मतलब जो होता है क्रिकेट में, अंपायर क्या करता है? दोनों टीम्स को क्या करता है? जज भी करता है, चेक भी करता है. तो हमारी कंट्री में जुडिशरी जो है वो अंपायर का रोल कैसे प्ले करती है? नंबर वन, जुडिशरी रूल ओवर सेंटर एंड स्टेट. रूल थोड़ी करती है. नंबर टू, सेंटर गवर्नमेंट गिव्स गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली टू जुडिशरी. नो, कोर्ट्स कैन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. No, then courts use the power to interpret the constitution. Interpret, ठीक है. अंजी, बाहर देख लो पहले. Courts use the power to interpret the constitution. अंजी, अब जो बच्चे कह रहे थे assertion reasoning नहीं है, write down. अच्छा, ये तो आप लोगों को पता ही है. Option क्या है? First option, both A and R are true. R is the correct explanation of A. ये तो आपको पता ही है ना, मैं आप जब statements बोल रही हूँ. अब मुझे बताना इसमें से कौन सा right है. सिमरप्रीत,
Two statements are given below. Read the statement and choose the appropriate. A hai, Sri Lanka adopted Sinhala as the only official language of the state. Reason hai, the government of Sri Lanka wanted to foster their culture, language and religion on the country. Both are two. R is the correct option of explanation of A. ठीक है, श्रीलंका ने क्यों किया, क्योंकि वो ऐसा करना चाहते थे. ऐसे क्वेश्चन अच्छा ये आ जाओ. फिर से आ गया सब्जेक्ट एंड लिस्ट. एक तरफ होंगे सब्जेक्ट्स, एक तरफ होंगी लिस्ट. मैच द करेक्ट ऑप्शन. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपने आप बताओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसमें आती है, लिखते जाओ साथ में इंफॉर्मेशन. फिर बाद में राइट आंसर बोलूंगी, देख लेना. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वन किसमें आती है, रेजिड्यूरी. रेजिड्यूरी है फोर्थ नंबर पे. पुलिस, यस, स्टेट है थर्ड नंबर पे. एजुकेशन, हाँ एजुकेशन कंकरंट, कंकरंट है वन नंबर पे. इधर एजुकेशन है थ्री नंबर पे. और डिफेंस, डिफेंस किस में आता है, यूनियन. यहाँ पे यूनियन है टू नंबर पे, यूनियन है टू नंबर पे. करेक्ट ऑप्शन है वन फोर्थ, सेकंड टू थ्री, थर्ड टू वन, फोर्थ टू सेकंड. ये हो गया आपका मैच द कॉलम. पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 जो है उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स और लिस्ट दी गई. अच्छा ये देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं. अनीता इज अपीयरिंग इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंटर गवर्नमेंट. ठीक है, ठीक है, हाँ. इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज मेंशन्ड इन द एट शेड्यूल. हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में लैंग्वेज दी गई है, एट शेड्यूल. शी कैन ऑप्ट टू टेक एग्जाम, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट. यानी कि कितनी लैंग्वेजेस, हाँ ओके. फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकंड है 21, थर्ड है 22, फोर्थ है 22 ऑप्शंस हैं. 22 में 21 है रीजनल लैंग्वेजेस प्लस 1 इज हिंदी. यानी कि वो 22 में से क्या ले सकती है, 1 लैंग्वेज. ठीक है, इसमें इंग्लिश है या नहीं, इसमें इंग्लिश नहीं है. इंग्लिश कंपलसरी होगी बच्चे. अगर आपने यही है ना, अनीता जो है, अगर आईएएस का एग्जाम अगर ऐसा होता, इफ अनीता वांट टू अपीयर इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंटर गवर्नमेंट, डू यू थिंक इंग्लिश इज द पार्ट ऑफ दीज 22? नो. आपकी बुक में शेड्यूल दिया गया है, नोट करो पेज नंबर 21, वहां पे सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट है. 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं है. इंग्लिश इसलिए कंपलसरी होती है, आएगी. हाँ जी, आगे देखो. आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस. मैं आपको तीन स्टेटमेंट बोलूंगी, आपने उसमें से बताना है ये फेडरल है, यूनिटरी है, डिसेंट्रलाइज है, या यूनिटरी एंड फेडरल. ठीक है, ठीक है. एक तरफ हो गया यूनिटरी, एक तरफ हो गया फेडरल, एक तरफ हो गया डिसेंट्रलाइज, एक तरफ हो गया यूनिटरी एंड फेडरल. आपको डिसेंट्रलाइज या जो भी है इसका ऑप्शन रिकॉग्नाइज करना होगा. तीन लाइंस दी गई हैं, तीनों लाइंस मिलकर कौन सा ऑप्शन जो है वो बनेगा. नंबर वन, पावर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट. जहां पे लोकल गवर्नमेंट आ गई इट मीन्स वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन. इट इज कॉल्ड द थर्ड टायर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट. द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज, डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, ओके. अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक इंडिया एज अ क्वासी फेडरल. क्वासी फेडरल का मतलब होता है पूरी तरह से फेडरल नहीं. ये क्वेश्चन सुन सुन के कई बच्चे डर रहे हैं. क्वासी फेडरल
ना ये हो रहा ना. यस हाँ जी ओके यस विनीत अगेन लिसन द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट. क्वासी का मतलब होता है पूरी तरह से नहीं, कुछ परसेंट जो है वो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करता है और फेडरल को वीक करता है. कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? आपको अलग अलग ग्रुप दिए होंगे, पहले ऑप्शन लिख लो. ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट. ठीक है ऐसे ही है ना. चलो स्टेटमेंट सुनो. नंबर वन मोर पावर्स आर विद सेंटर. ठीक है मोर पावर्स आर विद सेंटर है ना. हमारी कंट्री में सेंटर और स्टेट में से सुप्रीम कौन सा है? इक्वल है कि इक्वल है? सेंटर. तो ये ठीक है, इसको टिक करो. नंबर टू रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स लाइज विद द सेंटर. यस इसको भी टिक करो. थर्ड इक्वल सब्जेक्ट्स टू सेंटर एंड स्टेट. नो क्रॉस करो. ये यूएसए में है, हमारे यहाँ पे नहीं. एंड लास्ट इज करेंसी एंड रेलवे आर विद सेंटर. हाँ तो बी ऑप्शन होगा आपका. फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ विल बी राइट. यस बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज Identify the correct statement with respect to federalism of Indian Constitution. The Constitution declare India as a union of state. Sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the Constitution. It is easy to make changes in the power sharing arrangement. The Parliament can make its own changes in the constitution. हाँ इसका ऑप्शन है ए फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 38 फिर से assertion and reasoning. दो statements. ये आपका geography का है, HDI से related है. Human development mention how much socio-economic development has happened in a country. Reason है comparison of national income of two countries explain human development index. Nahi iska right option hai A is true, R is false. हाँ जी अब आ जाओ केस स्टडी. केस स्टडी क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 15. यूरोप का चैप्टर है. स्टोरी ऑफ ग्रिम ब्रदर्स. पूरा बॉक्स है राइट हैंड साइड इंफॉर्मेशन. ग्रिम ब्रदर्स लिखो. ग्रिम ब्रदर्स की स्टोरी है जिसमें आप पढ़ते हो ना बच्चे रोमांटिसिज्म, रोल ऑफ लैंग्वेज. पेज नंबर इज 15. वहां से लिया गया है. राइट हैंड साइड पे ना एक पूरा पैराग्राफ है ग्रिम ब्रदर्स. और ये जो पैराग्राफ है बच्चे ये आपका 15 लाइंस का पैराग्राफ है. 15 लाइंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है हाँ हिस्ट्री में. और उसमें से क्वेश्चन है आपके केस स्टडी के क्वेश्चन है ग्रिम ब्रदर्स. तो ये आपका होमवर्क है बच्चे. ये आपने सारा कॉम्प्रिहेंशन का रीड करके आना. Then if you have read the chapter now only then it will be easy for you to get the answer. Grimm brother ki story hai bache ye. Side pe jo information hai. And it is on page number 15. Rest I will discuss tomorrow. Okay online students. Hanji any doubt? Online students Peta any doubt to you? Bhavna?
Ruhani, I will send this paper in your group also. Okay, beta? Then any doubt will be? Yes, ma'am, it's clear.